वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज आज के वीडियो में मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स डिसाइड करेंगे मेरे लिए कुछ डेयर, मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, आई मीन जो भी वो कहेंगे मुझे वो करना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो इस 1 मिलियन स्पेशल वीडियो के लिए सबसे पहले मैंने डेयर मांगा द अमित बड़ाना भैया से, तो उन्होंने कहा कि यार खुशी के मौके पर डेयर मत लो और ये बोला, बहुत शुभकामनाएं छोटी बहन, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच भैया। हाय प्रगति दी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो आपका डेयर ये है कि आपको रॉ ऑनियन पे टोमेटो सॉस रखना है और उसके ऊपर आपको डालना है कर्ड और फिर वो खाना है। बहुत ही सिंपल सा डेयर है मेरा, वैसे मैं तो ये नहीं कर सकती लेकिन आप करके दिखाओ मुझे, मुझे आपका रिएक्शन देखना है। बाय। रॉ ऑनियन के ऊपर सॉस और उसके ऊपर कर्ड, कितना गंदा लग रहा है, बट ठीक है, थैंक यू समरीन मुझे ये डेयर देने के लिए। मेरी मौत का तमाशा मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो हमें ये अनियन लेना है, इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा कर्ड। उसने बोला था पहले सॉस लगाने को, बट ठीक है टेस्ट। लेकिन ये उससे बड़ी मास्टर शेफ है ना, ये अपना रेसिपी बनाएंगे। ये मेरा रेसिपी है। वाओ, बदबू कर रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही खाने की। जल्दी खाओ यार, दीदी उल्टी कर दूंगा यार। जल्दी 1 2 3 टेस्टी है क्या भाई? डेयर गॉन रॉन्ग, बुरा नहीं लग रहा है यार ये। लगता है ये पागल हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा घटिया होगा, बट ठीक है इतना बुरा नहीं लग रहा कि मैं इसे दोबारा बिल्कुल नहीं ट्राई कर सकती हूँ। तो मेरा डेयर बिल्कुल कंप्लीट होता है, पूरा खाना है पूरा। बस एक ऐसा डेयर में नहीं बोला था उसने, आधा यहाँ है और आधा यहाँ है। नहीं ऐसा डेयर में नहीं था, डेयर में था कि बस एक बार खाना है और बताना है कैसा, तो मैंने बता दिया। वो दहीदार प्याजी सॉस खा के मेरा मूड एक्चुअली खराब तो हो ही गया है। तो अभी मैं किसी को मैसेज करके पूछने वाली हूँ कि मैं चाय पीऊँ या फिर कॉफी पीऊँ। मुझे चाय पीने का मन कर रहा, बिकॉज चाय इज लव, चाय लवर्स हिट लाइक। तो साइमन भैया ने मुझे बोला है चाय पीने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज मुझे तिमोथी ने किया है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाय प्रगति, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई होप आप बहुत ज्यादा ग्रो करो। तो अब बारी है आपके डेयर की, और डेयर ये होने वाला है कि आपको एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बनाना है अपना, और अपने मम्मी पापा के पास जाके आपको कन्फेस करना है कि आपका एक बॉयफ्रेंड है और आपको उससे शादी करनी है आने वाले 2-3 सालों में। मारना मत मेरे को, मेरे पता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेयर है। मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं तो पिटूंगा बहुत ज़्यादा, बट आई होप ये डेयर बहुत अच्छा रहे और आपके सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा लगे। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। यार मैं ये डेयर करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अपने पापा के साथ ये नहीं कर सकती हूँ। आई मीन आप सोच नहीं सकते हो कितना ऑकवर्ड होगा, और मैं उनके सामने खड़े होकर बोल ही नहीं पाऊंगी, आई मीन मेरे मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो यार इस डेयर में, ठीक है? और मैं मम्मी के सामने ये करने वाली हूँ। गाइज इसके बाद अगर मैं जिंदा बच गई तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, अगर नहीं बची तो आप फुकरा इंसान के चैनल पर जाना एंड उनसे बोलना कि प्रगति को वापस जिंदा कर दो। और ऊपर से लाना भी नहीं, अब नहीं है। अच्छा मम्मी, हाँ? आपको ना एक बात बताना था, बताएं? गुस्साएंगी नहीं ना? नहीं, क्या कहते हैं, तो मतलब 4 महीना हो गया मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ बॉयफ्रेंड एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड जैसा है और मतलब बॉयफ्रेंड भी है। बैठ जाइए ना, बैठ के बात करिए ना, आप बैठिए। बोलो बोलो, बोलती रहो। अरे तो बैठ जाइए ना, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? बैठ गए, बोलो इधर से, अच्छे से बैठ जाइए अभी। ठीक है, हम अपना काम करते रहे, तुम फटाफट बोलो। और आप ऐसे क्यों देख रहे, लग रहा है मार देंगे हमें। आप इसीलिए नहीं बता रहे थे आपको? तुम बताओ ना, तुम ही ना बोलिए बॉयफ्रेंड है, हम तो फ्रेंड पूछ रहे हैं। तो ऐसे बॉयफ्रेंड है, मतलब है बॉयफ्रेंड है, तो यही बताना था आपको काफी टाइम से कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो अब पहले बताइए, अब देखिए आप अभी से गुस्सा आ रही हैं।
चलो ठीक है, बोलती जाओ, हम नहीं गुस्सा रहे हैं। चलो बोलो, क्या बात है? चलो बोलो बोलो बोलो। तो ऐसे क्यों बोल रही हैं? जब गुस्सा आती है तभी ऐसे बोलती हैं आप। हम समझ रहे हैं कि तुम मजाक कर रही हो। मजाक नहीं कर रहे, क्यों मजाक करेंगे? तो हम लोग, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग 2 साल बाद ना शादी कर लेंगे। क्या नाम है? अमन। अच्छा, झूठ बोली है ना? नहीं, झूठी बोल रहे हैं। फिर मजाक कर रही है हमसे? मजाक नहीं कर रहे हैं यार। अचानक बॉयफ्रेंड कहाँ से आ जाएगा? तो वही तो आपको बताना है, आज बता तो दिए आपको। मेरी कसम खाओ। कसम वसम क्या होता है यार? उस पे विश्वास करते हैं ना। मेरी कसम खाओ। कसम खा लेंगे, पहले आपको ये बताना था कि हम लोग शादी कर लेंगे। अगर आप तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी कसम खाओ। मेरी कसम खा जाओ, उसके बाद हम मान जाएंगे। मान क्यों नहीं रही हैं? अरे हम कैसे मान लें? बोलो, फांस क्यों आ रही है? मेरे मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे नहीं। बताओ क्या बताएं? बता तो दिए हैं, कसम वसम नहीं खाना है। जब आप मान ही नहीं रही, फिर हमने उससे शादी करना है बस। तो शादी करके आती तब बताती। नहीं, ऐसे कैसे कर लें? आपको बताना है ना कि किससे हम शादी करना है, किससे नहीं करना है। ठीक है, जाओ कर लो, तो मम्मी के पास मत आना। काम धाम तो है नहीं, फालतू बात कर रही है। अभी बच्ची हो, समझे? ये सब बात क्यों? बच्ची का है मम्मी यार। कितनी बड़ी हो गई हो? फालतू बात मुझसे मत किया करो। पापा जी आएंगे शाम को, उनके सामने जो कहना है करना। मम्मी मजाक कर रहे थे, कसम से मजाक कर रहे थे। अरे बाप रे, रोने लगी मेरी माता जी, रोने लगी। ओ माय गॉड, तो आप तो खुद ही बोल रही थी कि मजाक कर रहे हैं, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? अभी मेरा वीडियो ये भी इस प्लान में थी। मम्मी ये भी प्लान में थी। मम्मी मैं तो पहले ही पता था तुम मजाक कर रही हो। हाँ, अब कैमरा सामने इनको दिख गया तो बोलेंगे मजाक है। Congratulations Pragati for 1 million subscribers and I wish you all the best कि आप 10 million तक पहुंच जाओ। ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटा सा डेयर देना था मुझे तुम्हें, तो ऐसा क्या डेयर दूँ जो खतरनाक हो? मैंने सोचा, बहुत सोचा, और मैं ये बोल रही हूँ कि क्या तुमने कभी किसी यूट्यूबर के वीडियो को डिसलाइक किया है या फिर कुछ हेट कमेंट छोड़ा है उनके वीडियो पर? ये मैं जानना चाहती हूँ। बहुत यूनिक डेयर था श्रुति दी का, तो थैंक यू श्रुति दी पहले आपको। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने कभी भी किसी के ऊपर हेट कमेंट तो ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। जो वीडियो मुझे पसंद नहीं होता है मैं निकल जाती हूँ, और कभी मैं जाकर लिखती नहीं हूँ कि ऐसी गंदी वीडियो है या वैसी है या फिर कुछ भी। मैंने कभी हेट कमेंट लिखा नहीं है। मुझे बहुत गंदे गाने लगते हैं, तो मैं उसे डिसलाइक कर देती हूँ। कितना गंदा आदमी हूँ मैं। हाय प्रगति, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 1 million सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और इंशाल्लाह ऐसी आगे बढ़ती रहो और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहो। तो मैं जो तुम्हें डेयर दे रही हूँ बहुत ही इजी सा है। तो तुम्हें पहनना जीन्स और जैकेट, लेकिन उसे सीधा नहीं पहनना, उसे पहनना उल्टा। और तुम्हें पहनना है एक पैर में शूज और एक में स्लीपर। और फिर ये पहनने के बाद तो लोगों को दिखाना होगा ना, तो इसलिए तुम्हें जाना है किसी भी आसपास के शॉप में और फिर वहां जाके कुछ भी लेकर आना है, ताकि तुम्हें लोग देखें तुम्हारे फैशन सेंस को। तो बस यही है मेरा इजी सा डेयर। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 million के लिए, बाय। तो ये है मेरा नॉर्मल जैकेट जिसे हम बाहर पहन के जाते हैं, लेकिन इसे हम कर देंगे उल्टा, बिकॉज हमें ये डेयर मिला है। इन उल्टे कपड़ों में जाऊंगी अपनी बेइज्जती कराने। ये देखो, मुझे डर भी लग रहा है, हंसी भी आ रही। तो गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऐसे चलने के लिए। Thank you for 1 million subscribers.
चैलेंज कंप्लीट होता है, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि और देर मैं यहाँ पे रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी घर के बाहर। मुझे बहुत सारी दूर है। हमारा आज का डेयर ये है कि तुम्हें